हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। टीपीटीसी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम गुप्तान गुप्ता जो बुक है आपकी, गुप्तान गुप्ता की ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है, फेमस किताब है सिविल इंजीनियरिंग में, तो एसपी गुप्ता एनएसएस गुप्ता जी की जो बुक है, तो गुप्तान गुप्ता में जो भी टॉपिक अभी तक अपन ने कवर किया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक प्रकार का आप लोगों का टेस्ट है। तो पहले जितने टॉपिक मैंने कवर करवा दिए आपको, वो वीडियोस में आप उसको देख लेना, सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना, उसके बाद आप इस वीडियो को चलाना और साथ ही साथ टेस्ट देना, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पहले मैं आप क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उसके ऑप्शन बताऊंगा और आप अपना जो आंसर है वो मन में सोच लेना, फिर मैच कर लेंगे कि आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। और ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी आंसर हैं, जैसे कि अगर मान लो आज की हम 20 या 15 क्वेश्चन जितने भी डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन एक मार्क्स का मान लिया, तो आपने कितने सही किए, ठीक है। हमारे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने भी आपने सही किए बता देना। अगर मान लो किसी के 10 में से किसी ने 5 सही किए तो 5/10, और पिछला स्कोर भी उसमें लिखना, जैसे मान लो पहले भी मैंने वीडियो डाल रखा है टेस्ट का, तो पहले मेरे इतने थे अभी इतने हैं, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि साथ ही साथ जैसे जैसे हमारे सोम ख़त्म हो तो वैसे ही हमारा गुप्तान गुप्ता भी पूरी यहीं मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। और उसके अलावा भी आप कुछ और बुक है वो लगा लेना, जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो वो लगा लेना, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शेयर मॉडुलस, देखो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके देखो चार ऑप्शन है, पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेस टू स्ट्रेन और स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो आंसर सोच लीजिए, आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। अब देखिए कैसे हो, तीन प्रकार से देखिए हम बात करें, इलास्टिक कांस्टेंट जो हमारे होते हैं चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, है ना। पहला होता है यंग्स मॉडुलस ई, ठीक है। एक होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, इसको एस भी बोल देते हैं और इसको कई बार जी भी बोल देते हैं। एक हमारा होता है बल्क मॉडुलस के, और एक होता है पॉइजन रेशियो म्यू, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है हमारा यंग्स मॉडुलस, यानी कि होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, यानी कि ये हमारा जो होता है ये होता है हमारा टाउ अपॉन में फाई, टाउ शेयर स्ट्रेस और फाई शेयर स्ट्रेन, ये हो गया, ठीक है। स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन बी, ये होता हमारा के बल्क मॉडुलस, ठीक है। और स्ट्रेस टू स्ट्रेन सिंपल वो भी हमारे यंग मॉडुलस के प्रकार है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी होगा, आंसर होगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि ये बोल रहा है ई है वो क्या हो जाए 2g के बराबर, ये स्टूडेंट बोला, देन पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल इज, ठीक है। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ई जी और म्यू जो होता है पॉइजन रेशियो, इनका रिलेशनशिप आपको पता है क्या होता है। ई बराबर क्या होता है 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, ये बोल रहा है ई बराबर में 2g है, ई बराबर में क्या है 2g, तो आप यहाँ पे ई की वैल्यू पट कर दो 2g, तो 2g पहले आप इसको आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। मैं बताने जा रहा हूँ, 2g बराबर में 2g 1 प्लस में म्यू, तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस म्यू बराबर क्या बचेगा 1, तो म्यू क्या होगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है,
अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है तभी आप इसको कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किस पे निर्भर करती है। ठीक है, यह है क्वेश्चन, पहले भी मैंने बता चुका हूँ, याद होगा आप लोग। उसमें अपने बोले थे कि सर मैंने आपको आंसर बताया था कि एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए, देखिए एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल होता है क्या आपका, ई। ठीक है, आपको जो हुक का नियम है, इसका आंसर क्या होगा, इससे आप पहले आप सोच लीजिए, बाकी फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच लिया करो, फिर आगे प्ले कर लिया करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूटी क्या है। देखिए, ध्यान रखें इस चीज़ को कि आपका जो है हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, ई एफ साइलेंट, ये होता है यंग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हो गया ना, यानी यंग मॉडल्स इसको टाओगे तभी तो आएगा। तो बोला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, ई होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसमें ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन एफ साइलेंट। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है, ये स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो लोड पर डिपेंड कर रहा है, कर रहा है, एरिया पर भी कर रहा है, कर रहा है। अभी मेटेरियल कैसा हुआ, देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है हमारा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे आता है यंग्स मॉडुलस, ये हर मेटेरियल के लिए अलग अलग होता है इसका मान, तो मेटेरियल पर डिपेंड करेगा ये। उसका बेस्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपके गुप्ता गुप्ता में आंसर दे रखा है सी, ठीक है ना। और अगर मैंने बताया कि अगर मान लीजिए ऑल ऑफ द अबव नहीं हो, तो बेस्ट सुटेबल आंसर वो बताते हैं ए। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना, ऑल ऑफ द अबव है तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, गुप्ता गुप्ता में सी दे रखा है आंसर बुक में, ठीक है, जो कि सही नहीं है, आंसर इसका डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल ओबे हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट, तो वो तो सिंपल है, इसका दो ही होगा आंसर, ठीक है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसका आंसर आप लोगों को सबको पता भी है, तो आंसर होगा इसका दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये इस सिक्वेंस को मैं देखा, जैसे चार के बाद में ये क्वेश्चन पांच हो जाएगा, सात लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन पांच रहेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई बल्क मॉडुलस के एज बोयलिंग रेशियो विल बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताओ, यानी कि आपका ई के और यू में रिलेशनशिप क्या होगा। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका पता है तभी आप कर पाएंगे। इसका आंसर होगा ई बराबर में 3K1-2μ। आपको रिलेशनशिप जो है ई जी ई के म्यू और ई जी है ना के और म्यू, वो आपको रिलेशनशिप सारी पता होनी चाहिए, पहले वीडियोज में हमने बता रखी हैं कैसे आई है रिलेशनशिप्स, तो उसको आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, चार ऑप्शन है, बताइए कितनी होती है। पॉइजन्स रेशियो लिमिटिंग वैल्यू होती है ऑप्शन ए -1 से 0.5, ये होती है ह्यूमन टिश्यूज के लिए। ठीक है ना, लिमिटिंग मतलब ये जो बोल रहा है कि भाई मिनिमम से मिनिमम कितनी और मैक्सिमम से कितनी हो सकती है, ये उसकी बात कर रहा है। तो वैसे कई मटेरियल की जो पॉइजन रेशियो मैंने आपको बता रखा है, अलग अलग मटेरियल का कितना होता है, रबड़ का, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनकम्प्रेसिबल होता है मटेरियल, उसके लिए कितना होता है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और इलास्टिक मटेरियल के लिए कितना होता है पॉइजन रेशियो, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है,
और ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज है वो बता रखी है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, उसकी बात कर रहा हूँ। आंसर होगा इसका ए, -1 से 0.5। देखिए इन जो भुगतान को तो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अगर इसको वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, डिस्कशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और डिस्कशन किया हुआ क्वेश्चन हमेशा याद रहता है। इस चीज़ में ध्यान रखना, आप कभी भी आप इस बुक को खोलोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम जितने भी कोशिश होगी हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, लेवल वाइज इजी से हार्ड, ताकि जो डिप्लोमा से दे रहे हैं या जो दे रहे हैं बीटेक से एग्ज़ाम दे रहे हैं दोनों के लिए इक्वल हो जाए बैलेंस। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि डिप्लोमा पर फोकस कर रखा है या बीटेक पर फोकस कर रखा है हमने, हम दोनों को लेकर चलेंगे तो आपके दोनों ही कवर हो जाएंगे। अगर मान लो कोई डिप्लोमा से एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका लेवल कैसा, ये जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन है, बीटेक एग्ज़ाम अगर अलग होगा तो उसका लेवल थोड़ा अलग होगा, उसके क्वेश्चन भी हम बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है ना, ये बाकी ये बेसिक चीज़ें सबको पता होनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलोंगेशन ऑफ ए कॉनिकल बार, ठीक है, कॉनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट कितना होता है, चार ऑप्शन बढ़िए, ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार के बराबर, ठीक है, और वन हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कॉनिकल बार का पूछ रहा है एलोंगेशन कितना होता है। ठीक है ना, अगर किसी को प्रिज्मेटिक बार का पता है तो बता देगा प्रिज्मेटिक बार का क्या होता है एलोंगेशन, सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि कॉनिकल, कॉनिकल बार कितना होता है, वो होता है वन थर्ड ऑफ, आंसर होगा सी। ठीक है, कई लोग ऐसे सोच रहे हैं डी आंसर हो जाएगा, ये तो फिर इसको मत सोचना, ये तो पहले को टिप लगे हैं, इस पर आप ध्यान मत देना, जो आंसर बोलो मैं उस पर ध्यान देना, इसका आंसर होगा सी, वन थर्ड ऑफ दी प्रिज्मेटिक बार सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, इस पर आपको एक मैं फैक्चुअल चीज बता देता हूँ, प्रिज्मेटिक बार का जो होता है कौन सा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, वो होता है सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई। ठीक है, सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन टू ई, सॉरी सिग्मा नहीं, गामा, सॉरी ये सिग्मा नहीं होगा, ये होगा आपका गामा होगा। ठीक है ना, गामा, सिग्मा नहीं, गामा, गामा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई, सिग्मा नहीं होगा, गामा होगा। तो बोलता है कि प्रिज्मेटिक बार का जो होता है एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट वो किस पर डिपेंड करता है, गामा यूनिट वेट, ठीक है ना, एल लेंथ और ई यंग्स मॉडुलस के एरिया पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो अपने कई बोलते हैं कि अगर किसी प्रिज्मेटिक बार की लेंथ को डबल कर दें, लेंथ को डबल कर दें तो उसका एलोंगेशन कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ डबल कर दोगे दो बस पर फोर, तो कितना हो जाएगा लेंथ डबल कर दो कितना हो जाएगा, फोर टाइम या टू टाइम्स, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा टू टाइम्स, याद, ठीक है, दो गुना बढ़ जाएगा अगर उसको क्या डबल कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए क्वेश्चन था वो फिर शायद इसमें ले नहीं पाए, उसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर शायद छः होगा ना, वो इस पर डिपेंड है, इसका हो जाएगा टू टाइम्स, साथ साथ एक क्वेश्चन अपने दो क्वेश्चन को कवर कर ले, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिया था, क्योंकि हम इस क्वेश्चन अपने इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे ऐसा मैंने सोचा था, तो अपने को वहाँ लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, तो यहाँ होगा वन थर्ड ऑफ कॉनिकल बार, ठीक है, और बीच में डूबेगा गामा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई, यूनिट क्या बन जाएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन में सिक्स ई बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यदि किसी मटेरियल की सभी दिशाओं में आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हो तो उसे क्या बोलते हैं, सोच लीजिए आंसर, सभी दिशाओं में आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हो तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में प्रॉपर्टी सेम हो तो बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, सभी दिशाओं में प्रॉपर्टी असमान हो तो उसे बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक। ठीक है ना, और
तीन परस्पर दिशाओं में यानी कि थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसे बोलते हैं ऑर्थोट्रॉफी। ठीक है, ध्यान रखना इसका आंसर होगा हमारा आइसोट्रॉफी, आंसर हमारा होगा इसमें बी आइसोट्रॉफी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो बार हैं ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, दो रेनफोर्समेंट बार हैं, डिफरेंट मटेरियल की हैं और साइज क्या दोनों का सेम है, सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स, दोनों पे सेम टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इफ बार हैव यूनिट इलोंगेशन रेशियो, यूनिट इलोंगेशन रेशियो कितना है 4/7, देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल इज क्या होगा। ऑप्शन ए 7:4, बी 4:7, 4:17, 16:14। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप ये क्वेश्चंस करो तो एक कॉपी पेन लेके साथ बैठना और आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो इसको इसका सोचिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर सोचिए, तो बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए 7/4। कैसे, देखिए आपको जो दे रखा है एक यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, सिंपल उसका फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन में ए टी, सिंपल। ये बोल रहा दो बार है, डिफरेंट मटेरियल्स की है, साइज सेम है, साइज सेम का मतलब उसका एरिया सेम है, सेम टेंसाइल फोर्स लग रहा है यानी पी भी सेम है। ठीक है, और लेंथ भी सेम है, खाली मटेरियल अलग अलग है तो यंग मोटर सेल हो सकता है। और बोला उसका डिफ्लेक्शन का रेशियो 4/7 है, यानी कि बोल रहा है कि डेल्टा 1/2 ये कितना है 4/7। डेल्टा 1 कितना होगा पी एल अपॉन में ए ई 1, और डेल्टा 2 डिवाइड होएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ए ई 2 बराबर में पी एल, पी एल से पी एल गया, ए से ए गया, तो आंसर आया आपका A2/E1 बराबर में क्या 4/7। तो E1/E2 क्या होगा, यहाँ चला जाएगा 7/4। ठीक है ना, या इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4 जाएगा और ये E1/E2 क्या होगा 7/4, आंसर होगा हमारा 7/4। ठीक है, अभी तभी कर पाएंगे जब आपको पहले वाला बेसिक कॉन्सेप्ट जाना, वरना आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए प्रिज्मेटिक बार वॉल्यूम वी दे रखा है, सब्जेक्ट टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इफ पॉइजन रेशियो म्यू दे रखा है, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई विल बी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई विल बी कितना होगा बताइए, स्ट्रेन कितना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था ना कोई डिप्लोमा या बीटेक लेवल में डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन है गुप्तन गुप्तक बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करें। ठीक है, अभी के लिए आंसर इसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर तो है आप सबको पता ही है, इसने क्वेश्चन देखा होगा, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक सॉल्व, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पहले आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जो इसको सॉल्व कर ले वो ग्रुप में डाल देना आंसर, और अगर इसकी कमेंट बॉक्स में भी आंसर ले पेस्ट कर सकता है। ठीक है, ताकि यूट्यूब पर कोई देख रहा है तो वो भी इस आंसर को देख सके, और नहीं होगा तो फिर मैं इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं बता दूँगा। ठीक है, नहीं होगा अब इसका आंसर सॉल्व करके मुझे बताना आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन कॉपर विल बी अंडर, ये देखो ये है टेम्परेचर स्टेज का क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था अगर कंपोजिट बार है स्टील और कॉपर की बनी हुई और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा।
देखिए ये आप तभी बता सकते हैं जब आपने टेम्परेचर स्ट्रेस को ढंग से पढ़ा है, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेस में बोलते हैं कि अपने जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंस है तापीय प्रसार गुणा, वो स्टील और कॉपर का आपको पता होना चाहिए। स्टील का कितना होता है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और कॉपर कितना होता है, कॉपर का कम बताएगा, कॉपर का होता है लगभग 16। तो ये इससे ज़्यादा है कॉपर। मैंने कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा और कॉम्पोजिट बार बनी हुई स्टील और कॉपर की, तो कॉपर में क्या होगा, इसका अल्फा ज़्यादा है, वो होगा कंप्रेशन होगा इसका। आप इस तरह वीडियो जाके देख सकते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस वीडियो बना रखा अपन ने, तो उसमें आप लोगों का टॉपिक पता लग जाएगा इसका सकता है। जिसने पढ़ा है वो बता सकता है, बाकी तुक्का मारने वाली बात नहीं है, ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट चलता क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बी अकर्स वेयर। ठीक है, 39 नंबर बुक का क्वेश्चन है। वैसे अपना क्वेश्चन क्योंकि मैं अभी जो टॉपिक मैंने कराया मैं वहीं से क्वेश्चन दूंगा आपको, है ना, कि बाहर से क्वेश्चन अपने नहीं कराएंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी बीम में कहाँ होगा, जहाँ पे पहला डिफ्लेक्शन इज जीरो, इससे तो कोई संबंध ही नहीं लग रहा, तो उसको पहले इसका आंसर सोच लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज जीरो, तो कोई संबंध ही नहीं लग रहा। देखो कई बार क्या होता है, अगर आपको लेट सपोज आपको अगर कोई चीज़ पता नहीं होती है, तो कई बार अगर आप ओड रन आउट कर दें या एलिमिनेशन लगाएं मेथड कि भाई यार ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर आप जैसे ना चार ऑप्शन में अगर दो पे पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार एग्ज़ाम में अगर हम सपोज़ मान लो 80 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन में से आप सपोज़ आपने 35 या 40 क्वेश्चन आपको एक राउंड मारे हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे, लेकिन उनमें फिर आप सोचोगे कि किन क्वेश्चन में मैं नियर बाई पहुँच सकता हूँ, है ना। अगर आप 4 एलिमिनेशन करके 2 तक पहुँच जाओ और आप ऐसे करके 15-20 क्वेश्चन लगा दो, तो कम से कम 15-20 में से आपके आधे क्वेश्चन से हो जाते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में उससे हो जाता है। तो इस तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना, एग्जाम जब भी अटेम्प्ट करो तब की बात है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम अकर्स वेयर डिफ्लेक्शन जीरो, शियर फोर्स इज मैक्सिमम, क्या जहाँ शियर फोर्स मैक्सिमम वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ऐसे वो स्टेटमेंट है ये भी नहीं है, मिनिमम का भी नहीं है, शियर फोर्स चेंज है। देखो इसका सिंपल सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर मान लो सिंपली सपोर्ट बीम है, ठीक है, और बीम पे लग रहा है यूडीएल, क्या लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, तो इसका एसएफडी क्या होगा, सभी को पता है इसका एसएफडी क्या होगा, इसका एसएफडी आप कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये तो इसका एसएफडी, ठीक है, और उसका बीम कैसे बनता है, ये हो गया। तो देखिए मैक्सिमम बीएमडी कहाँ हुआ, जहाँ पे शियर फोर्स है, क्या क्या सही चेंज किया, ये इस पॉइंट पर इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, ए सिंपली सपोर्ट बीम ऑफ स्पान एल केयरिंग ओवर इट्स फुल स्पान ए लोड वेरिंग लीनियरली फ्रॉम जीरो एट ईदर एंड टू डब्ल्यू यूनिट एट द मिड स्पान द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स अकर्स एट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि देखो इस क्वेश्चन को समझना, ये बोल रहा है एक सिंपली सपोर्ट बीम बना रखी है, पहले आप इसके ऊपर वीडियो पोस्ट करके आप इसके आंसर सोचो क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 40, क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर होगा हमारा डी, डब्ल्यू स्क्वायर अपन 12 मिड स्पान, ठीक है, ये आपको सॉल्व करके पता लगा। अब देखिए अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बोलोगे सर पेपर में इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप आराम से आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। पेपर में कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन इसलिए फेंके जाते हैं, अगर आपको राइट आंसर पता है तो बेस्ट है, और अगर आपको नहीं पता तो अकॉर्डिंग टू मी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने मत जाना, क्योंकि इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। कैसे कर दोगे, देखो जो इसने क्वेश्चन को बोला है उसको अगर मान लो किसी को नहीं पता इसका आंसर या पहले कभी नहीं देखा हुआ, तो देखो वो कहेगा कि भाई सिंपली सपोर्ट बीम है और एल स्पान है पूरा, देखो सिंपल सी बात है, ये सिंपल सपोर्ट बीम होगी और एल स्पान है और
यूनिफॉर्म वेरी लोड कितना लग रहा है, सपोर्ट्स पे जीरो है, जीरो एट इधर एंड एंड डब्ल्यू मैक्सिम, यानी कि ये केस है, ये लोडिंग हो रही है इसको, ये वाली, ठीक है, और ये इसके ऊपर सपोर्ट, ठीक है, और लोडिंग आ रही इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लोडिंग, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, ये अब आप पहले आप IRB निकालोगे, फिर आप SF शेयर फोर्स निकल जाएगा उससे, फिर आप चेक कर लोगे मैक्सिमम एडमिनमेंट वैसे कहाँ है, शेयर फोर्स साइन चेंज करता है तो देखो सिमेट्रिकल है ना, तो बेसिकली एक तो अगर आपके सिक्वेंस नहीं भी पता और अगर सोचो सर थोड़ा बेसिक कंसेप्ट वगैरह से पता होती है तो सेक्शन सिमेट्रिकल है, लोडिंग भी सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है क्वार्टर पॉइंट पर तो नहीं हो सकता मैक्सिमम, ठीक है, अगर क्वार्टर पॉइंट पर नहीं हो सकता तो फिर क्या है कि दो आंसर तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, कौन कौन से, ए और बी कर दो एलिमिनेट, ठीक है, फिर आप सोचोगे सर फिर आंसर क्या बचा, मिड स्पान, लेकिन मिड स्पान पर डब्ल्यू स्क्वायर एट तो कब होता है, जब UDL हो पूरे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, डब्ल्यू स्क्वायर एट तो हो भी नहीं सकता, तो सीधा आंसर क्या देगा फिर किडनी, तो कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते हो बिना सॉल्व करना पड़े तो, और सॉल्व करना फिर इसको पूरे को सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है ना, इसका जो सॉल्यूशन है अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में करके दिखाएं, ठीक है, और नहीं होगा तो फिर मैं बता ही दूँगा, बाकी देखो ये एक तरीका हमने कितना आसान तरीका था, फिर देखो अगर आपको डायग्राम आपने बना लिया और सोच लो कि सर ये तो पॉसिबल दिख नहीं रहा, और ये डब्ल्यू स्क्वायर बाई एट तो किसका होता है, UDL का होता है, अगर वैसे देखो तो UDL ले रहा और UDL ले रहा, ये तो UDL का है तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर दो बचेंगे बी और डी, उसमें देखोगे कि सिमेट्रिकल है तो मिड स्पान भी होगा, कोई ना कोई क्वार्टर पर तो कहाँ हो सकता है पॉसिबल, तो उससे आप आंसर डी को फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर होगा उसका डी, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, या अगला क्वेश्चन आपका है 41, ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ठीक है, बताइए बेंडिंग मोमेंट परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल सी चीज है शीयर फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ शीयर फोर्स इज इक्वल टू लोड, जबरदस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पान इज कॉल्ड, ठीक है ना, जिस डायग्राम में क्या हो वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड हो, चीज ध्यान रखना, मान लो ये कोई बीम है, ठीक है, ये कोई बीम होगी हमारा, बीम में शेयर फोर्स जो होते हैं वो तो होते हैं ट्रांसवर्स फोर्स, और बेंडिंग होती है लोडिंग, ठीक है, तो बोल रहा है ये बात कर रहा है एक्सियल फोर्स की, एक्सियल फोर्स कौन से, जो सपोज ये बीम है तो ये वाले फोर्स लग रहे हैं, ऐसे वाले एक्सियल फोर्स का डायग्राम अंदर से क्या बोलते हैं, उसे शेयर फोर्स डायग्राम बोलेंगे, नहीं, शेयर फोर्स तो ट्रांसवर्स लोडिंग को बोलते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, BMD ना BMD तो कह नहीं सकते उसको, तो दिख ही रहा है ना, होगा नहीं, अब बचा थ्रस्ट डायग्राम या ILD, अब आप सोचोगे सर ILD, जिसको ILD का मतलब ही पता है, ILD क्या होता है, इन्फ्लुएंस लाइट डायग्राम, यानी कि रोलिंग लोड जब चलता है किसी बीम पे, रोलिंग लोड के कारण डायग्राम उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो फिर बचा कौन सा थ्रस्ट, तो उसके होता है सी थ्रस्ट, ठीक है, इसका आंसर पता लग गया आपको। तो अभी के लिए यहाँ तक ही करेंगे हम, अगले क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ तक करेंगे क्वेश्चन, यहाँ तक आप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मैंने देखो कराए हैं, मुझे उसके स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने स्कोर अचीव किए, देखो जो मैंने टास्क दिया वो करना है, पहले भी कई स्टूडेंट्स ने टास्क किया ही नहीं कम्प्लीट, अगर आप टास्क कम्प्लीट ही नहीं करोगे देन यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज, आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो, ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस लाइन है कि तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, ठीक है, लाइन कई मोटिवेशनल वीडियोस की लाइन काफ़ी मतलब होते हैं, ठीक है, ये लाइन मेरी फेवरेट है, तो
मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इस चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप लोगों को वास्तव में लाइफ में कुछ अचीव करना है या आपका जो ड्रीम है तो प्लीज़ उसके पीछे फोकस होकर पड़िए। ठीक है, यूँ नहीं कि वीडियो आ गया, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे आप दिन भर कोई गाना देख लिया, वीडियो देख लिया, कॉमेडी वीडियो देख लिया, बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस आते हैं, बहुत सारे हैं, तो TVF देख लिया, TVF कोई वेब सीरीज़ आ गई वो देख लिया, मूवीज़ आ रही है बहुत सारी, अरे हाँ ये अभी OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ आ रही है, मूवीज़ देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके लिए आपके पास टाइम है एक एक घंटा देने के लिए, लेकिन एक कोई वीडियो आधे घंटे का वीडियो भी नहीं होगा, वो आधा घंटा देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो अभी वैसे भी आपको सबको पता है COVID-19 की कंडीशन चल रही है, और उस कंडीशन में अगर क्लासेस ऑनलाइन दी जा रही हैं, आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट लीजिए, मेरा ये मानना है। और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट आएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं, ठीक है, वरना मैं ही समझूंगा अभी भी लोग इनएक्टिव हैं, और जो इनएक्टिव है वो हमेशा इनएक्टिव ही रहेगा, वो कभी एक्टिव हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे निकलना है सबसे, तो प्लीज़ मेहनत कीजिए और इश्यू कंटिन्यू करेंगे हम आगे भी, ठीक है, और ये कंटिन्यू होने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि इतना जितना पढ़ा हो हमारा कवर हो जाए ना, हमको पढ़ना ही खाली हमारा मकसद नहीं, सिलेबस पूरा करवा देंगे, सिलेबस साथ हमको पूरा पढ़ना, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।